जम्मू कश्मीर में इन दिनों लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। सबसे पहले तो रियासी में 9 जून को आतंकियों ने तीर्थयात्रियों की बस पर हमला कर दिया था। घात लगाकर बैठे आतंकियों ने बस पर फायरिंग की। इसके बाद बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी थी। बस पर हमले करने वाले आतंकी पहाड़ी इलाके में छुपे हुए थे। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 41 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद मंगलवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ के एक गांव में आतंकी घुस आए। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। पहला इनकाउंटर कठुआ के कीरा नगर सेक्टर के सैदा सुखाल गांव में हुआ। इस इनकाउंटर में सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए। इस इनकाउंटर में एक आतंकी भी मारा गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 अफसर कल कठुआ में हुए आतंकी हमले में बाल बाल बच गए। आतंकियों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। इनमें से एक डीआईजी रैंक और दूसरे एसएसपी रैंक के अफसर थे। दोनों अफसर किसी तरह बचने में कामयाब रहे। घटना के बारे में जम्मू के एडीजी आनंद जैन ने जानकारी दी है। इलाके में लोगों ने अपने जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपीओ की टीम मौके पर पहुंची और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉब करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। सर, होस्टेज वाले भी कुछ खबर? ऐसी अनकन्फर्म रूमर्स इस इलाके में काफी चल रही है कि काफी लोग आहत हुए हैं। 3 उसमें जो सिविलियंस है उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड है, लेकिन इसमें सिर्फ 1 सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। इसके अलावा जो अनकन्फर्म र्यूमर्स हैं इसकी रिगार्डिंग किसी की मृत्यु होने की, किसी की हॉस्टेज होने की अनकन्फर्म र्यूमर्स हैं, तो लिहाजा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इन रूमर्स में ना जाए और हम इसका पहले कन्फर्मेशन देंगे उसके बाद ही हम कुछ। छत्रगला में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, वहाँ पर 4RR और जो हमारा पुलिस का जॉइंट नाका है उस पर फायर हुआ है और अभी एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। सर, कहा जा रहा है कि ग्रेनेड्स का हमला भी हुआ सिविलियंस पर। इसके अभी ये ऑपरेशनल डिटेल्स है सारी, तो इसमें अभी फर्दर इलाके को कॉर्डन में लिया गया है और दूसरे आतंकवादी की सर्च इस इलाके में जारी है। सर, क्या लग रहा है, फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन बिड? ये लगता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन बिड है और जो ये हुआ है ये गांव में नमूदार हुए हैं 8:30-8 बजे के आसपास। 3 दिनों में 2 हमले हुए हैं सर जम्मू में, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान की बौखलाहट है, किस तरह से आप देखते हैं रियासी के बाद? ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश रहती है, तो लिहाजा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अपीयर टू बी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन और जैसे एक आतंकवादी मारा गया दूसरे की भी सर्च जारी है। वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है अभी। आरआर कैंप को टारगेट करने की कोशिश कर रही है छत्रगला वाला जी। छत्रगला में बेसिकली हमारा डिप्लॉयमेंट है ऑलरेडी, तो उसमें 4RR और हमारे पुलिस का ज्वाइंट नाका होता है उस पर फायर हुआ है और अभी रिटेलिएट किया गया और एनकाउंटर जारी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के डोडा में भी आतंकियों ने हमला किया। ये 3 दिन में इस तरह का तीसरा हमला है। डोडा में आतंकियों ने सेना के अस्थायी ऑपरेटिंग बेस पर गोलीबारी की जिसके बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। डोडा के छत्रकला में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी में सेना के 5 जवान सहित कुल 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी शामिल है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। कश्मीर टाइगर नाम के आतंकी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।